प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नया साल आ रहा है और इस नए साल के जश्न के साथ साथ आप अपने परिवार के लिए किसी ऐसी जगह की भी तलाश में होंगे जहां उनके साथ बेहतर वक्त बिताया जा सकता है। सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम समेत विभिन्न जलाशयों में इन दिनों सात समुंदर पार से सीगल प्रजाति के विदेशी पक्षियों के पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। चांडिल डैम के अलावा चौक का पालना डैम, राजनगर के काशीदा डैम, कुचाई के करकट्टा डैम में इन दोनों बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी चहचहाने लगे हैं। बड़ी संख्या में इन विदेशी प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से चांडिल डैम के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लग गया है। सर्दी शुरू होते ही चांडिल डैम में विदेशी मेहमानों की अटकेलियां शुरू हो जाती हैं, जो किसी भी सैलानी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। पक्षियों को नजदीक से निहारने और उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। सैलानियों के लिए यहां डैम में वोटिंग से लेकर कई तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। चांडिल डैम में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सुबह और शाम को कलरव करते ये विदेशी पक्षी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूर देश से लाखों मील की दूरी तय करके ये साइबेरियन पक्षी करीब 3-4 माह तक रहने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और फिर मार्च के आते ही अपने देश लौट जाते हैं। जानकार बताते हैं कि विदेशी साइबेरियन पक्षियों को सरायकेला खरसावां समेत पूर्वी भारत का यह हिस्सा खूब पसंद आता है। नवंबर दिसंबर के माह में विदेशी साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा इस जगह पर लगता है। विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि साइबेरियन पक्षियों का कोई शिकार न करे। यही कारण है कि हर साल बड़े पैमाने पर साइबेरियन पक्षी चांडिल पहुंचते हैं। चांडिल डैम में बनाए गए केट के साथ साथ बड़े आकार के पेड़ इन पक्षियों को रहने का अस्थायी ठिकाना बन जाते हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।